आप देख रहे हैं bplnews.com, खबर हर कदम। शहर के ताला नगरी स्थित मंगलकारी बालाजी महाराज का वार्षिकोत्सव 12 मार्च से शुरू होगा। महामंडलेश्वर विजय शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च को श्री बालाजी महाराज की विशाल शोभा यात्रा महावीरगंज से प्रारंभ होकर सेंटर पॉइंट स्थित श्री टीकारा मंदिर पर संपन्न होगी। 13 मार्च को मंदिर के प्रांगण में विघ्नहर्ता संकट मोचन बालाजी महाराज का पंचकुंडीय महायज्ञ होगा। पहले तो हमारे अलीगढ़ मंडल के जितने भी दर्शक हैं, चैनलों को देखने वाले लोग हैं, उनको आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मंडल में ही प्रतिष्ठित नहीं, आज प्रदेश स्तर पर जिस मंदिर को हम लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए जाना जाता है, वो मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर ताला नगरी में जो स्थित है। और शहर के प्रत्येक लोग अब परिचित हो गए हैं, क्योंकि ये 12वां उत्सव मनाया जा रहा है। 12 वर्ष हो चुके हैं भगवान को आगमन को, और 12 वर्ष में अनेकों भक्त की ऐसी पीड़ाएं दूर की कि जो कल्पनाएं नहीं कर सकते थे, जिनके यहाँ डॉक्टरों ने या मेडिकल साइंस ने मना कर दिया कि जिनके यहाँ संतान नहीं हो सकती, केवल बालाजी महाराज की ऐसी अनुकंपा हुई उन लोगों पे कि उनके संतानें होने लगी, संतानें हुई और आज सुखी और सुव्यवस्थित हैं। जिन लोगों के व्यापार नहीं चल रहे, जो शारीरिक पीड़ा से दुखी हैं, जिन लोगों के यहाँ आदि व्याधि भूत बाधाएं थी, मात्र मंदिर परिसर में जाने से उन सबके कष्ट दूर हुए। तो ऐसे भगवान बालाजी महाराज का हम लोग उत्सव मना रहे हैं और ये 2 दिन उत्सव चलेगा, कल और परसों। उसी प्रकार हमारा मन और मस्तिष्क भी यदि सुव्यवस्थित रहे, केवल वो स्वतंत्र रहे तो गंदा होता है। उस गंदगी को दूर करने के लिए वर्ष में कम से कम एक ऐसी मंदिर पर जाना चाहिए जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क हृदय पवित्र होता रहे। तो इसलिए यहाँ मंदिर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा माने कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और परसों यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ में 13 तारीख को जो मंगलवार को यज्ञ होने वाला है वो संकट नाशन यज्ञ होगा। हनुमान जी महाराज की कृपा सब लोगों के ऊपर प्राप्त हो उसके लिए किया जाएगा। हमारे शहर का विकास हो, प्रदेश की उन्नति हो और देश जिस गति से कार्य कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको और संबल प्राप्त हो, हनुमान जी महाराज की उनके ऊपर असीम अनुकंपा हो, इसकी निमित्त हम लोग इस यज्ञ को करेंगे। तो सभी शहर के लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि शोभा यात्रा और यज्ञ में आकर के और आनंद लें। फूल वाले बनाए गए हैं और पूरे स्वरूप भी जो है कुछ नए तरीके से बनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा विशाल रूप से ही अवगत की जाएगी। इसका गर्भगृह सिंहासन है वो इस बार सभी भक्तों के सहयोग से चांदी का बनाया गया है। फूल प्रतिष्ठान और प्रभु कृपा सब बरसती है।